यस yes, दोस्तों गुड इवनिंग एवं कैसे हैं सभी लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस प्रोफेशन का डे टू कवर किया था जिसमें हमने सेक्शन 37 तक का पार्ट और एक डिस की थी यह है आज का बिजनेस प्रोफेशन के रिवीजन का डे थ्री इसके पहले हम हाउस प्रॉपर्टी वाला टॉपिक भी फर्स्ट डे कंप्लीट कर चुके हैं बोलिए है मालिक कैसे हैं सभी राधे राधे सभी को यस वॉइस क्लियर है यस आयुष भाई वॉइस क्लियर है मालिक डन चले डिस से शुरुआत करते हैं डिस अलाउंसेस के दो सेक्शन फोर्टी ए और वन ए हमने उसने देखा था तीन अलग अलग पेमेंट की हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट रॉयल्टी और टेक्निकल फीस अगर ये पेमेंट जा रहा है आउटसाइड इंडिया या इनसाइड इंडिया आउटसाइड जा रहा है तो भी और इनसाइड जा रहा है टू अ नॉन रेसिडेंट और टू अ फॉरिन कंपनी इस केस में ध्यान रखिएगा आपको टीडीएस करना है ये पोजिशन हमने देखी थी आप जब टीडीएस कर लोगे और इसको डिपोजिट कर दोगे तो ये अलाउ हो जाएगा वरना ये अलाउ नहीं होगा साथ ही साथ हमने देखा था कितना परसेंट डिसअलाउ करना है में में ध्यान रखिएगा बहुत डिफरेंस डिसअलाउ 100%, 100 करना जबकि जब आप किसी भी, किसी भी भी तरह का पेमेंट करते हो तो अंडर सेक्शन से लेके राधे राधे 192 से लेके, लेके तक का कोई भी पेमेंट जब रेसिडेंट पेई को करते हो तो फिर उसके लिए तो तो अलाउ होगा तो पूरा एक लाख ऐड होगा जबकि इस केस में अगर एक लाख डेबिट है जिस भी ईयर में आप पे करोगे इस केस में भी वो जो थर्टी परसेंट है वो जिस साल भी आप पे कर दोगे उसको तो हम अलाउ कर देंगे बोलिए मालिक फटाफट से फोर्टी ए वन और फोर्टी क्या ये दो बात हमको समझ पड़ी और खास बात क्या कब डिस नहीं करना है सेक्शन सेक्शन सब वन ध्यान से देखिएगा एग्जाम में अगर वो बोल दें कि पेई ने खुद ने खुद वो इनकम शो कर दी पेई ने अपना रिटर्न भी फाइल कर दिया और पेई ने उस इनकम पे टैक्स भी पे कर दिया टी आपने एस नहीं किया था ध्यान रखना सब कुछ हो चुका है तो पेयर को अलाउड रहेगी डिडक्शन इवन दो ही नॉट डिडक्टेड द दीडीएस सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकिन एक जो है वो है कि कुछ भी हो जाए आपका टीडीएस डिडक्ट कब होना चाहिए ट्वेंटी वन में अगर टी डी एस ही आपने ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में डिडक्ट नहीं किया और आपने एक अप्रैल दो हजार बाईस को डिडक्ट किया तो मेरे मालिक ये डिडक्शन बाईस तेवीस में ही मिलेगी अब आपको प्रीवियस ईयर गुड तो इवनिंग निकिता यस बोलो दोस्तों तो ध्यान रखिएगा आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रीवियस ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के दौरान टीडीएस हो जाना चाहिए अब डिपॉजिट करने के लिए आपको बोला गया रिटर्न फाइलिंग की डेट तक भी डिपॉजिट कर दोगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एग्जाम में ध्यान रखिएगा आपको 2021 का कोई एक्सपेंडिचर दे दे जिसमें वो बोल हैं कि टीडीएस ही वन फोर ट्वेंटी वन को हुआ तो मान लेना कि उसकी डिडक्शन फिर इसी साल हमको मिलने वाली है बोलिए तो टीडीएस होना ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू के दौरान जरूरी है तभी हम डिपोजिट चेक करेंगे वरना हम सीधे ही एक्सपेंस डिसअलाउ कर देंगे क्या ऐसा कर सकता है एस एस सी डायरेक्टली डिपोजिट करे नहीं सर पहले टीडीएस डिडक्शन की एंट्री तो पास होनी ही चाहिए नेक्स्ट सेक्शन फोर्टी ध्यान रखिएगा ना इनकम टैक्स ना उसका इंटरेस्ट ना प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ना ही पेनल्टी चारों ही अलाउड नहीं है वेल्थ टैक्स तो अब हट चुका है लेकिन दे दें तो भी अलाउड नहीं है ध्यान रखिएगा इज इट करेक्ट तो A2, जो सेक्शन है जिसमें इनकम टैक्स की डिस है तो सीधे सीधे जब पी एंड एल में या इनकम टैक्स दिया हो इंटरेस्ट दिया हो प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हो तो सेक्शन जरूर कोट करना हम बिजनेस प्रोफेशन में बहुत सिलेक्टेड सेक्शंस याद कर रहे हैं मैं अगर आपको लिस्ट बनवाऊंगा तो आपको दिखेगा कि बहुत ही कम सेक्शन हमने याद किए जैसे कि थर्टी टू वन टू हमने याद किया थर्टी टू वन टू एडिशनल एप्रीसी का याद किया इसके दो प्रोविजो हमने याद किए एक है प्रोविजो सेकंड और एक है प्रोविजो थर्ड प्रोविजो सेकंड बोलता है कि हम फिफ्टी परसेंट एप्रीसिएशन कब लेते हैं जब अस एक्वायर हो और पुट टू यूज हो और तो थर्ड प्रोविजो बोलता है कि इन केस ऑफ एडिशनल डेप्रीसिएशन आपको हम फिफ्टी परसेंट नेक्स्ट ईयर में कैरी करने देंगे इसके अलावा आपने सेक्शन थर्टी फाइव थोड़ा सा पढ़ा थर्टी फाइव ए डी हमने जरूर एक सेक्शन याद किया इसके अलावा हमने बेड डेप्स का एक सेक्शन देखा एक इंटरेस्ट का देखा लेकिन सेक्शन याद नहीं किया उसके हमने हम मेजरली याद कर रहे हैं उसके बाद पी एफ वाले पॉइंट थर्टी फाइव वन फोर थर्टी सिक्स वन फोर थर्टी सिक्स वन फोर ए थर्टी सिक्स वन फाइव जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर्स है कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉय वो सेक्शन हमने ज़्यादा याद की इसके बाद बस ये डिसअलाउंसेस की सेक्शन पे हमारा फोकस है तो ओवरऑल हम आठ दस सेक्शन ही ढंग से याद करते हैं बाकी की हम रीडिंग लेते हैं बोलिए मालिक है तीसरा सेक्शन एक और फोर्टी थ्री जिसमें सैलरी पे हो रहा है पेयर कोई भी हो सकता है लेकिन 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 पेमेंट हो रहा है या तो आउटसाइड इंडिया या टू तो अ नॉन रेसिडेंट या तो आउटसाइड इंडिया और आ तो आ तो 100 हो रहा है लेकिन इसकी खास बात है अगर आपने डिडक्ट कर लिया और डिपोजिट नहीं किया तो भी अलाउ अगर आपने डिडक्ट नहीं किया लेकिन सीधे डिपोजिट कर दिया तो भी अलाउ आपने दोनों कर दिया तो भी अलाउ लेकिन आपने ना डिडक्ट किया ना डिपोजिट तो डिस अच्छा इसका ये उल्टा केस है इस केस में हम बोलते थे कि सर एक ही सिचुएशन में हम अलाउ करेंगे जब दोनों काम एक साथ हो जाए इसमें अगर एक भी हो चुका है तो ही हम हाँ कर रहे हैं तो भी हम हाँ कर रहे हैं देख लो डिडक्ट हो गया तो भी अलाउ डिपोजिट हो गया तो भी अलाउ दोनों हो गए तो भी अलाउ सिर्फ एक ही केस है जिसमें दोनों ही नहीं हो पाए ना डिडक्ट हुआ ना डिपोजिट हुआ और ये केस किसका है सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन वेडेंट बोलो भैया तो ही हम हंड्रेड परसेंट डिस करेंगे लेकिन सिर्फ इस सिचुएशन में करेंगे एग्जाम में हालांकि इसके थोड़े से चांसेस कम है लेकिन वर्ड ध्यान रखिएगा

एम्प्लॉयर को पीजीबीपी में इसकी डिडक्शन मिलती है सैलरी डेबिट कर सकता है एम्प्लॉयर और इसकी इनकम होती है तो ये क्रेडिट करता है कहने का मतलब ये है जब इन नॉन मॉनेटरी मॉनिटरी पे वापस से टैक्स पे भी एम्प्लॉयर करे क्या हो रहा है इन नॉन मॉनेटरी मॉनिटरी की जो वैल्यू आएगी उस पर टैक्स भी अगर एम्प्लॉयर ही पे करे तो एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जाम 10 तो के अंडर सेक्शन टेन टेन सी सी तो स्वाभाविक है पीजीबीपी हेड में इसकी हम डिडक्शन नहीं देंगे पक्ष की डिडक्शन मिलेगी लेकिन उस पर पे होने वाले टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी तो भैया एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की की ये इसकी ये इसकी इनकम है है इसका खर्चा चलेगा लेकिन उस पर पे, पे होने वाला टैक्स कोई डिडक्शन हम नहीं देंगे ध्यान रखिएगा साथ ही साथ हमको फोर्टी ए टू याद करना है जब आप पेमेंट जिसको कर रहे हो टू रिलेटिव डिसलव होगा लेकिन तीन कंडीशन का पूरा होना जरूरी है पहला ये जो पेमेंट है ये एक्सपेंस होना चाहिए लाइबिलिटी नहीं होना चाहिए जैसे कि लोन या डेप

इस पांच लाख में से इस तीन लाख को आप कर दो लेकिन मुद्दा ये नहीं अभी एग्जाम में दो तीन पहले एक बहुत शानदार उन्होंने क्वेश्चन पूछा था पेमेंट टू रिलेटिव रिलेटिव ही था लेकिन बॉस उन्होंने वर्ड क्या यूज कर लिया था सिस्टर इन लॉ गेम खेल आई आईसीआई इस बात पे आपके साथ कंपलसरी क्वेश्चन में पेमेंट लिखा हुआ था पेमेंट टू रिलेटिव थर्टी फाइव थाउजेंड है जबकि मार्केट वैल्यू उसकी तीस हजार है तो लोगों ने यहाँ पांच हजार डिसअलउ कर दिए थे हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सिस्टर इन लॉ का ये एक्सेसिव पेमेंट डिसअलाउ होगा आपके हिसाब से बताएं डिसअलाउ होगा या नहीं होगा पांच हजार रुपए डिसअलाउ होगा या नहीं होगा क्या लगता है आपके हिसाब से बताएं मालिक कमेंट करें कमेंट करें आपके हिसाब से सिस्टर इन लॉ वर्ड था तो सर हमको इंडिविजुअल एस के लिए जैसे कि राम हमारा एस एसी हमको स्पेसिफाइड पर्सन देखना पड़ेगा कि उसका रिलेटिव कौन कौन है रिलेटिव देखें कौन कौन आएगा स्पाउस Brother, sister, linear ascended, linear descendant. अब बताओ sister -in -law. Sister -in -law, sir, कुछ नहीं करना था. ये specified person की कैटेगरी में ही नहीं है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना था लेकिन अधिकतर स्टूडेंट इसमें से थर्टी थाउजेंड लेस करके आ गए बिना ये रिश्ता क्या कहलाता है देखे बिना देखे

पॉइंट जरूर लिख के आना ए नेक्स्ट मालिक फोर्टी ए थ्री जहां पे आप पेमेंट कर रहे हो अगेन किसी एक्सपेंडिचर का लेकिन वो कर रहा है है टू अ अ पर्सन इन डे प्रॉब्लम ये नहीं कि एक दिन में एक व्यक्ति को दे रहे हो वापस से हिंदी में टू अ पर्सन इन अ डे इंग्लिश वर्ड एक दिन में एक व्यक्ति को दस हजार से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो आप लेकिन पेमेंट कर कैसे हो या तो आप पेमेंट कर रहे हो अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट या ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक मोड्स या आप पेमेंट कर रहे हो थ्रू चेक

ये आपने सैलरी का पेमेंट कैश में कर दिया बारह हजार रुपए सर पूरा ये और बता दो हजार से ज्यादा है तो पूरे बारह दो हजार रूपए क्या लगता है पूरा डिसलो की दो हजार रूपए डिसलो वेरी गुड पूरे के पूरे बारह हजार रूपए डिस हो जाएंगे हंड्रेड परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर 3, ये सेक्शन जरूर याद रखना पेमेंट पेमेंट टू टू रिलेटिव ऑफ कैश अ पर्सन इन डे ये बोलता है अगर आपने ड्यू बेसिस पे डिडक्शन ले ली भैया तो ले ली ना ड्यू बेसिस पे अपन ने एंट्री पास कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर पचास हजार रुपए की एंट्री पास कर दी बोलो पचास हजार रुपए डेबिट हुए कि नहीं हुए सर होगा कौन से ईयर में ध्यान से देखो एग्जाम्पल समझना प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू में आपने एक एक्सपेंस बुक किया दस लाख का आपने परचेज बुक की थी

एस को एस सोच रहा है मैं ही मेंटॉस खाता हूँ तो दिमाग की बत्ती जला दे ऐसा उसने सोचा तो उसने सोचा अभी तो मैं दस लाख पूरे डेबिट करता हूँ ईयर एंड हो ही जाएगा इस बीच में रिटर्न फाइल कर दूंगा तो बाद में मैं इसकी डिडक्शन ले लूंगा पूरी भले ही मैं कैश में पे करूंगा गवर्नमेंट भी मिन्टॉस खाती है भैया कि नहीं मार्केट में तो सबके लिए अवेलेबल है गवर्नमेंट बोल रही है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में अगर आपने एक साथ तीन लाख रुपए दिए उस खर्चे के जो पहले ड्यू कर का ड्यू करके आपने डिडक्शन लिया था जो पहले आपने ड्यू करके डिडक्शन ले ली थी उसका पेमेंट आपने कैश में कर दिया तो मालिक ड्यू बेसिस पे जो डिडक्शन दी थी उसमें से वापस से इनकम बुक कर देना बोलो बढ़ा के क्या कर दिया गया दोस्तों ट्रांसपोर्टर्स के लिए बढ़ा के थर्टी फाइव थाउजेंड किया गया ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है तो पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा दो अलग अलग लिमिट है मेरे पास दस हजार रुपए और पैंतीस हजार रुपए फॉर ट्रांसपोर्टर्स तो क्वेश्चन में देखना कि पंद्रह हजार का पेमेंट है लेकिन किसी ट्रांसपोर्टर को तो नहीं है अगर है तो अलाउ अगर है तो अलाउ बोलिए भैया लिमिट अप्लाई कब कब नहीं होगी सर लोन ट्रांजेक्शन पे मत करो आइदर इट इज एडवासिंग ऑफ लोन और रीपेमेंट बिकॉज दे आर नॉट एन एक्सपेंडिचर हम बात कर रहे हैं फोर्टी ए थ्री ए फॉर एनी एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर के लिए रोका गया कि हम कैश पेमेंट्स को रोकते हैं एक दिन में एक व्यक्ति को गवर्नमेंट का टारगेट आप समझ गए कैश के पेमेंट को ब्लॉक करना डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना यस करेक्ट बोलिए दूसरा एक्सेप्शन आप कमीशन एजेंट्स या कंसाइनमेंट बेसिस पे अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो भी आपके ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं की जाएगी अगला एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है फोर्टी ए सबसे अच्छा देर आर सम डीडी में एक्सेप्शन है जब आप एक व्यक्ति को एक ही दिन में दस हजार से ज्यादा का पेमेंट कर सकते हो जिसमें बैंकिंग हॉलीडे आ गया इम्पोर्टेंट बैंक है नेशनल हॉलीडे उस दिन बैंक बंद है या आप ऐसी जगह पे ही रह रहा है जहाँ बैंक ही नहीं है या पेमेंट्स गवर्नमेंट्स को हैं एलआईसी को हैं बैंक्स को हैं अलाउड है दस हजार से ज्यादा करो कोई दिक्कत नहीं है कोई मजदूर कोई लेबर रिटायर हो रहा है पचास हजार रुपए से नीचे का उसका रिटायरमेंट बेनिफिट है यार क्या करोगे रोक के से नीचे का रिटायरमेंट बेनिफिट है तो पेमेंट करने दो उस एम्प्लॉय को एग्रीकल्चर वालों को फिशरीज वालों को यस बिल्कुल सही पॉलिट्री वालों को करेक्ट भाई करेक्ट 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 नेक्स्ट प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी सर वैसे तो अलाउड नहीं है लेकिन आपने पढ़ा था अगर ये अप्रूव्ड फंड को है तो अलाउड है बोलो और आपने प्रोविजन बनाई क्यों देखो अगर आप ये पेमेंट करने वाले हो किसी अप्रूव्ड फंड को तो ऑब्वियसली अलाउड जैसे थर्टी फर्स्ट मार्च को आपने प्रोविजन क्रिएट किया टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी गवर्नमेंट बोल रही है वैसे अलाउ नहीं होता लेकिन हम अलाउ कब करेंगे वॉट आर द एक्सेप्शन पहला एक्सेप्शन जब कॉन्ट्रीब्यूशन किसी अप्रूव फंड हो या इिवोकेबल ट्रस्ट में जाने वाला हो या फिर ग्रेचुटी सचमुच एक्चुअली पेबल है इसीलिए आपने प्रोविजन बनाया तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा प्रोविजन फॉर ग्रेचुअटी के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको क्या दी हुई है करेक्ट ये सब बोलता है Contribution to an approved fund. हम नहीं करेंगे और हम ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर थर्टी सिक्स वन फोर फोर या फाइव में आया जिसमें लिखा था एस पी एफ आर पी एफ सुपर एनुमशन फंडर एनुमशन फंड अप्रूव्ड ग्रेचुअटी फंड इन सब में अगर पेमेंट करोगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे तो ये थे दोस्तों सारे सेक्शन डिस के खास बात कुछ भी नहीं है आप इनकम टैक्स का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप आराम से डिसलो कर सकते हो टीडीएस वाले पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान देना इस वाले पार्ट पे इसमें थर्टी परसेंट डिसलोव होगा ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को अगर हम पिछले साल के एंगल से देखें तो ध्यान से देखिएगा वो आपसे क्या पूछ सकते हैं वो आपसे पूछ सकते हैं ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर कौन सा ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू वो बोल रहे हैं कि इस साल के दौरान कोई प्रीवियस ईयर का खर्चा था ट्वेंटी ट्वेंटी वन का उस पर टी डी एस तो यहीं हो गया था डिडक्ट लेकिन डिपॉजिट हुआ आपके लिए एक नवंबर को एक नवंबर इक्कीस को तो समझ जाना इसकी हमने इस साल कोई डिडक्शन नहीं दी होगी आप यहाँ पे डिडक्शन दोगे करंट ईयर में वन टाइम पेमेंट मतलब होल ईयर का ही होता है तो टीडीएस तो अंशुल होल ईयर का ही देखते हैं ना हमेशा आपने टीडीएस चैप्टर पढ़ा आप जानते हैं कि उसमें जैसे ही लिमिट क्रॉस होगी तुरंत आप डीएस करोगे और फिर जैसे जैसे अमाउंट बढ़ता आएगा उस पर होता जाएगा yes. पांच मई दो हजार बाईस को किया यहाँ पे डिडक्ट हुआ और 10 मई को पे भी कर दिया लेकिन इसकी भी डिडक्शन आपको कौन से प्रीवियस ईयर में मिलेगी 21, 22 में ही मिलेगी तो ध्यान से देखिएगा पिछले साल का कोई अगर लास्ट ईयर का 2021 का अगर आपको कोई डाटा दें तो थोड़ी अक्कल लगाना कि पिछले साल डिसल हो मतलब इस साल अलाउ करेंगे और इस साल का पेमेंट लेट हुआ इस साल का पेमेंट लेट हुआ ट्वेंटी वन का कोई पेमेंट ईयर ख़त्म हो गया मान लो ट्वेंटी वन का कोई पेमेंट ईयर ख़त्म हो गया उसमें आपने टीवीएस तो कर लिया था लेकिन फिर वही बात आपने पेमेंट करा ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में ऑन नवंबर इन इन फर्स्ट इन नवंबर तो ऑब्वियसली हमने यहाँ डिसअलाउ किया होगा तो हम उस खर्चे को यहाँ अलाउ कर देंगे लेकिन अगर वो तारीख दे दें टी डी एस जो हुआ एक नवंबर को हुआ ये पहला केस तो हमने बोला डिसअलाउ उन्होंने बोला दूसरा केस ये पेमेंट एक मई बावीस को हो चुका था पेड तो अलाउ कौन से प्रीवियस ईयर में हो गया होगा भैया जरा सा बताना सर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये अलाउ हो चुका होगा तो बहुत आराम से देखना कि डिसअलाउ भी आपको कितना करना है थर्टी परसेंट ही करना है तो बाद में अलाउ भी कितना होगा थर्टी परसेंट ही कौन से सेक्शन में हम बात कर रहे हैं फोर्टी ए वन ए की पेमेंट पेमेंट टू टू रेसिडेंट रेसिडेंट पे पे यस करेक्ट यस अंशुल बोलिए मालिक करेक्ट मालिक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बस आपसे निवेदन छोटी छोटी बातों पर वो क्वेश्चन घुमा रहे हैं आपका और ये जैसे सिस्टर इन लॉ पे घुमा दिया था यहाँ पेमेंट पेनल्टी भी अलाउ मत करना इनकम टैक्स की चाहे कुछ भी हो जाए अच्छा इंडायरेक्ट टैक्स का क्या करेंगे सर ये तो हो गया पेमेंट पेमेंट टू रिलेटिव कैश अबाउट इन अ अ अ डे टू पर्सन ऑन बिल इन कैश बियर चेक और क्रॉस वर्किंग नोट जरूर लिख के आइएगा नेक्स्ट सेक्शन फोर्टी के बाद है हमारे पास डिम्ड प्रॉफिट का सेक्शन फोर्टी वन डिम्ड प्रॉफिट का पहला केस फोर्टी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्टी वन फोर बेट डेब्स रिकवर्ड ये हम देख चुके हैं बेड डेप्स के समय बेड डेप्स को जब हम देख रहे थे बाद में अगर बेड डेप्स रिकवर हुए तो आप इसको इनकम मान लो ये बात हमने वहां पर पढ़ी थी यस फोर्टी वन वन क्या बोलता है बहुत सिंपल यार जिस चीज को पहले आप एक्सपेंस बुक कर चुके थे वो पेमेंट ही नहीं करना आपको जैसे कि आपने यहाँ आप परचेज बुक कर लिया था देख लो आपने यहाँ आप परचेज बुक कर लिया कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी थी आपकी वो ट्रेडिंग लाइबिलिटी अब क्या हो गई है सीज या रेमिट कहने का मतलब क्या हुआ सर पहले हमने सौ रुपए से परचेज डेबिट किया था यहाँ पे ये बात थी 1920 की बाद में या 2021 ले लो 2021 में आपने परचेज बुक किया था हंड्रेड रुपीज का और बाद में पेमेंट इसका 95 ही करना पड़ा तो मालिक फाइव रुपीज इनकम कर लो क्या रूल बनाया था अपन ने गवर्नमेंट जब आपके दुख में साथ दे रही है आपको सुख में भी उसको इनकम देना पड़ेगा बोलिए मालिक हाँ ना दूसरा फोर्टी वन टू बैलेंसिंग चार्ज हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले यूनिट में पावर यूनिट्स के लिए पहले लेक्चर में देखा है सबसेक्शन थ्री साइंटिफिक रिसर्च असेट ऑलरेडी हम देख चुके हैं सेक्शन फोर बैडेक्वेंटली रिकवर ये भी हम देख चुके हैं बोलो फटाफट फोर्टी वन फाइव का क्या यूज है ध्यान से देखिए एग्जाम्पल समझिएगा राम ने अपना बिजनेस क्लोज करा प्रीवियस ईयर सेवनटीन एटीन में ओके साहब जिस समय बिजनेस क्लोज करा ये पोजिशन थी के पास लॉस था एक तो करंट ईयर सेवनटीन एटीन का ही लाख का प्रीवियस और पचास हजार का और बाद में आपको तीन लाख रुपए रिकवर हो गए आप क्या बोलोगे में इसको इनकम बुक कर लो इनकम तो बुक कर लेंगे लेकिन वो क्या बोलेगा सर मेरे ये पुराने पाप पुराने पाप मेरे पुराने लॉसेस बचे हुए थे जिस साल मैंने बिजनेस को डिफंक्ट किया बंद किया बोलेगा या नहीं बोलेगा कि मैंने जिस साल बिजनेस बंद किया था उस साल के मेरे कुछ लॉसेस हुए मेरे को प्लीज वो तीन लाख रुपए जो आज इनकम बुक कर रहे हो आप कौन से प्रीवियस ईयर में 22, 23 में क्रेडिट कर कर रहे हो, कर रहे हो हो इनकम बुक प्लीज मुझे लॉस सेट ऑफ करने दो गवर्नमेंट बोल रही है ठीक है एज पर सेक्शन फोर्टी वन फाइव आप सिर्फ आखिरी साल सेवनटीन एटीन का लॉस सेट ऑफ कर सकते हो जिस साल आपका बिजनेस बंद हुआ था तो हम ज्यादा से ज्यादा इस एक लाख रुपए के लॉस को सेट ऑफ कर पाएंगे इन दोनों को हम सेट ऑफ नहीं करेंगे ध्यान रखिएगा तो ये छोटा सा सेक्शन फोर्टी वन वन टू थ्री फोर फाइव जिसमें हम बोलते हैं डिम्ड इनकम डिम्ड प्रॉफिट डिम्ड इनकम क्या बोलते हैं इसको डिम्ड इनकम यस मालिक कमेंट करें फटाफट से फोर्टी वन वन जिसमें आपकी सीज़ हुई थी गवर्नमेंट ने आपके दुख में आपको एक्सपेंडिचर पूरा डेबिट करने दिया था सुख में आप वापस उसको क्रेडिट कर दो

नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन फोर्टी थ्री बी याद करो on तो 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 हम पढ़ चुके हैं कुछ पेमेंट्स कुछ एक्सपेंस ही होंगे जब आप पे करो पे कप करो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन वन थर्टी नाइन वन तो दोस्तों ये था मेरा प्यारा प्यारा सा साल साल खत्म होने के बाद रिटर्न फाइलिंग की डेट तक भी अगर आप इनको पे कर दोगे तो हम आपको अलाउ कर देंगे वरना अगले साल अलाउड होगा इसमें से कौन कौन से एक्सपेंस इधर आप देख चुके थे मालिक एनी टैक्स टैक्सेस सारे आ गए यहां पे बोनस कमीशन हम देख चुके हैं एम्प्लॉयर्स में भी पेड बेसिस था लिव इन कैशमेंट याद करो सैलरी में ये एम्प्लॉय की इनकम हो जाता है इस पे आप एग्जाम भी कैलकुलेट करते हो एम्प्लॉय के लिए अभी हमारा एससी कौन है अभी हमारा वाला बंदा कौन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर यहां डेबिट करना चाहता है उसके लिए तो खर्चा है गवर्नमेंट बोल रही है मालिक लीव इनकेजमेंट ड्यू बेसिस पे आप डिडक्ट नहीं करोगे जब तक कि एक्चुअली पे ना हो जाए यस नेक्स्ट पार्ट याद करें आप अपन पढ़ चुके हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बोरिंग फ्रॉम याद करो दो पार्ट थे आपने लोन लिया या तो फ्रेंड्स रिलेटिव्स फादर मदर या फिर बैंक एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन याद आया क्या ये भी देख चुके हैं हम ये पॉइंट भी देख चुके हैं गवर्नमेंट बैंक का बताना बचाना चाह रही है वरना आप क्या कर रहे हो इधर इंटरेस्ट भी डेबिट कर रहे हो और बैंक को पे भी नहीं कर रहे हो बोलो इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो और बैंक को पे भी नहीं कर रहे हो तो गवर्नमेंट चाहती है दोस्तों आपको हम डिडक्शन तभी देंगे जब आप एक्चुअली रिटर्न फाइलिंग से पहले आप ये पेमेंट कर दो एनबीएफसी दो तरह की थी मालिक आपके मॉड्यूल के हिसाब से एनबीएफसी जो डिपोजिट टेकिंग है और एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन डिपोजिट टेकिंग एनबीएफसी किसको बोलते हैं जिसकी टोटल एसेट तो पांच सौ करोड़ से ज्यादा एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट जिसने डिपोजिट्स नहीं दिए हैं और जो रजिस्टर्ड है दोनों ही केस में ध्यान रखिएगा दोनों ही केस में ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट तभी डिडक्ट होगा जब आप एक्चुअली ये इंटरेस्ट फोर्टी थ्री पी के तहत मतलब सेक्शन जो भी ड्यू डेट होती है है उसके पहले पहले पे कर दो बोलो है ना तो याद करना भैया भूल मत जाना है ना भूल मत जाना याद से पे कर देना साल खत्म होने के बाद से लेके रिटर्न फाइलिंग तक भी अगर आपने पे कर दिया अलाउ मान लिया जाएगा फटाफट से कमेंट कर दे लाइक कर दे मुझे समझ पड़े तो मैं आगे बढ़ता जाऊं फोर्टी थ्री बी में आइटम ध्यान रखने का आखिरी आइटम जो उन्होंने और नया जोड़ा था एक तो था इंडियन रेलवे अगर आप इंडियन रेलवे को यूज करते हो इंडियन रेलवे की सर्विसेज यूज करते हो तो आप इंडियन रेलवे को पेमेंट करोगे लेकिन 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 जैसे गवर्नमेंट ने बैंक को सेव किया कि जब तक बैंक का इंटरेस्ट पे नहीं हो जाएगा हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे असि पे प्रेशर बढ़ाएगी भाई पे कर तो डिडक्शन ले जा वैसा का वैसी प्रेशर इंडियन रेलवे के लिए भी है ध्यान रखिएगा एक्सपेंसेस आपने इनकर करा पे कर दो बिफोर द ड्यू डेट ये देखो पे कर दो बिफोर द ड्यू डेट तो हम अलाउ कर देंगे एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इनकर हुआ या आपने ड्यू बेसिस बोलो मालिक हाँ या ना क्लियर है एक इंपॉर्टेंट नोट और जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है वो है अगर आपने अपने लोन की रिस्ट्रक्चरिंग करवाई लोन की रीस्ट्रक्चरिंग हुई जैसे आपका लोन था हंड्रेड रुपीज इसप इंटरेस्ट ड्यू हुआ आप ये पे कर दिया ये पे कर दिया ये पे नहीं कर पाए बैंक ने आपके लोन को फिर से रिस्ट्रक्चर करा और बोला चलो प्रिंसिपल नाइनटी थ्री बचा हुआ था ये ले लेते हैं और एट रुपीज ये जो पे नहीं करा कराते लेते हैं रिस्ट्रक्चर के लोन वापस एक सौ एक रुपया हो गया याद आया कि हमने क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से इसको डिस्कस किया था कि बैंक कई बार आपको रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है यस मालिक बोलो तो क्या हम इस आठ रुपए के इंटरेस्ट को जिसको अब उन्होंने लोन अमाउंट में शामिल कर लिया है प्रिंसिपल अमाउंट में शामिल कर लिया क्या हम पेड मानेंगे पे हुआ था है, restructuring हुई है. Yes, मेरे दोस्तों तो ये 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 मत कीजिएगा अगर वो बोल दे कि ये, interest को आपने convert किया है into loan, into borrowing, into advance. Is it clear? आई बात समझ में तो आपको आठ रुपए में डेबिट नहीं करने दूंगा अगर आपने आठ यहाँ डेबिट करने की कोशिश की कि रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है अपन तो आप इसको डेबिट कर लेते हैं नो इट इज नॉट अलाउड ये था सेक्शन मालिक 43 बी इंपॉर्टेंट सेक्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बात ध्यान रखिएगा डायरेक्ट टैक्सेस सीधे-सीधे डिसअलाउड है लेकिन इसके अलावा कोई भी टैक्स पे होता है तो हम इसीलिए मेजरली आईडीटी कवर कर रहे हैं अगर वो पेड होगा गए बिफोर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न अलाउ 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 बोलो भैया आया कि नहीं आया आपको अरे बोलो भैया आलिया कि नहीं आलिया आलिया है क्या बोलो बोलो दोस्तों ये थे सेक्शन 38 से लेके 43 बी तक के पार्ट अब कुछ और स्पेशल सेक्शन जैसे एक स्पेशल सेक्शन है हमारे पास फोर्टी थ्री सी ए इमोबल प्रॉपर्टी अगर आप कैसे होल्ड कर रहे हो एज स्टॉक इन ट्रेड एज स्टॉक इन ट्रेड बोलो तो हम उस केस में स्टॉक इन ट्रेड के केस में आप क्या शो करते हो सर हम तो शो करते हैं सेल वैल्यू अगर आपके लिए इमोएबल प्रॉपर्टी जैसे कि फ्लैट ये फ्लैट बने हुए मकान बने हुए ये अगर आपके लिए एस आई टी है स्टॉक इन ट्रेड है तो आपके लिए तो आप बिल्डर हो और आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो आप इसको शो करोगे सेल इसी का इफेक्ट आपका किस पे आएगा नेट प्रॉफिट पे तो हो सकता है मालिक आप सेल प्राइस गिराने की कोशिश करो हो सकता है आप सेल प्राइस गिराने की कोशिश करो ओहो आलिया आलिया वेरी गुड आलिया तो अगर आप सेल प्राइस गिराने की कोशिश करो उससे पहले गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बना दिया सेक्शन 43 सी है जो किसको रिजम्बल करता है 50 सी ऑफ कैपिटल गेन क्या बोलते हैं वो इमोल प्रॉपर्टी के, के केस में वो आपसे कुछ कंडीशन चेक करवा रहे हैं और आपको डिम्ड सेल प्राइस बताई गई कैपिटल गेन में यही सेक्शन हम पढ़ते हैं फिफ्टी सी के नाम से बोलिए मालिक यस चलो पहला केस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी एक्सीड हो जाए हंड्रेड एंड टेन परसेंट ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से अगर एक्सीड हो जाए तो हमारी सेल प्राइस होगी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सपोज स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है पचास लाख आपका सेल कंसिडरेशन है चालीस लाख चालीस लाख का एक सौ दस परसेंट फोर्टी फोर ही होता है देख लें ये एक्सीड कर गया तो इसी को इसी को हम आपकी सेल प्राइस मानेंगे इन केस ऑफ ओनली एंड ओनली प्रॉपर्टी तो भूलना मत याद रखना दूसरा केस एक्चुअल सेल ड्यूटी से ज्यादा है आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू पचास है और एक्चुअल साठ लाख तो तो सर कौन मूर्ख है गवर्नमेंट बावली हो गई क्या गवर्नमेंट क्या नशा करके बैठती है क्या हुँ? कि इसको मान लेंगे फिर भी नहीं सर फिर तो जो ज्यादा है विच एवर इज हायर का कंसेप्ट लगा रहे हैं हम तो

अगर इस दो लाख को अड़तालीस लाख से कंपेयर करोगे तो ये दस परसेंट से कम है मतलब आपकी सेल प्राइस में कोई झोल कोई लोचा कोई फ्रॉड नहीं है इस बात का ध्यान रखना अगर आपका और असी का डिस्प्यूट हो गया आप कौन है मालिक आप लोग हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले और हम कौन है हम हैं असी जनता अगर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो कई बार केस जाता है किसको रजिस्टर्ड वैल्यूअर को रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने आपको जो वैल्यू दी वो इस पचास लाख से भी ज़्यादा दे दी ये पचास लाख था ये चालीस लाख था

पचास इनकम टैक्स वाला भी कितनी ले रहा था पचास पचास पे आपकी प्राइस मान रहा था आप झगड़ते झगड़ते किसके पास पहुंच गए तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विच एवर इज लोअर का लगेगा और अगर आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पचास लाख थी रजिस्टर्ड वैल्यू इन्होंने अड़तालीस लाख बताया तो अड़तालीस लाख ही आपकी वैल्यू मानी जाएगी तो तीन डाटा हो सकते हैं मालिक क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा एक स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू फिफ्टी लैक्स एक एक्चुअल प्राइस फोर्टी लैक्स और एक इसकी वैल्यू फोर्टी फाइव या फोर्टी एट जो भी दे दे क्वेश्चन में बोलो मालिक कमेंट करें लाइक करें बताते जाएं आ लिया कि नहीं आ लिया ये पांच केसे ध्यान रखिएगा जब भी इमुएबल प्रॉपर्टी आ जाए पीजीबीपी में एंड इट इज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और इसी के रिलेटेड एक बात आपको हाउस प्रॉपर्टी में आपने बढ़ी थी कि अगर आपके लिए स्टॉक इन ट्रेड है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के एंड से अगले दो सालों तक जितने भी आपके फ्लैट अनसोल्ड है उन सबकी एनएवी उन सबकी जीएवी एनएवी और वैल्यू नील मान ली जाएगी याद आया क्या तो हर चीज को लिंक करना सीखें दोस्तों क्वेश्चन एक साथ आता है क्योंकि हम टुकड़ों में चैप्टर पढ़ते जरूर है लेकिन क्वेश्चन एक साथ आता है और एग्जाम में बस वही जाके बैंड बच जाती है में क्वेश्चन था सर अब यहाँ ड्यूटी वैल्यू कहां से आएगी क्यों ऐसा क्वेश्चन इसलिए दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू भी दो अलग अलग हो सकती है एक है आपके जिस दिन आपने क्या किया था डेट ऑफ एग्रीमेंट और एक जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो ट्रांसफर कर रहे हो फाइनली अब पहले यहाँ का डाटा निकालना पड़ेगा तो जाके यहाँ पर वैल्यू रख पाओगे कौन सी वैल्यू consider करें अगर वो बोल देते हैं कि डेट ऑफ एग्रीमेंट की वैल्यू पचास थी और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन वैल्यू पचपन थी अब मैं कौन सी वैल्यू lu आई एम confused 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 वैसे एग्जाम में बहुत प्रेशर है एक नया कंफ्यूजन की इन दोनों में से हम यहां डाटा कौन सा रखें कंपैरिजन के लिए तो मालिक दो शर्तें दो प्यारी सी शर्तें आपको पूरी करनी पड़ेगी तो ये वाली वैल्यू ले ले लेना एक भी टूटती है तो यह वाली वैल्यू पे आ जाइएगा शर्त क्या है मालिक शर्त बताए पहला होल या पार्ट ऑफ ऑफ द इज ऑन डेट एग्रीमेंट चलेगा पार्ट भी लिखा हुआ है और दूसरा यह पैसा कैसे आना चाहिए थ्रू अकाउंट पे ही चेक थ्रू अकाउंट पे ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इफ यू सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन देन यूर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी ली जाएगी डेट ऑफ एग्रीमेंट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे तो ये वर्किंग नोट में जरूर लिख के आइएगा अगर पूरा क्वेश्चन किस पे बेस्ड हो इमोबल प्रॉपर्टी पर ध्यान रखिएगा और अगर इनमें से एक भी पॉइंट टूटता तो हमारी वैल्यू क्या होगी रजिस्ट्रेशन सपोज ये डेट थी एक मई ये डेट है एक जुलाई इस दिन पेमेंट आ चुका था पांच लाख का और वो पेमेंट आया था अकाउंट पे चेक से या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड या एन ई एफ टी आर टी जी एस या यूपीआई वगैरह से तो हम मान लेंगे कि ये दोनों कंडीशन पूरी हो गई थी तो हम इस वाली स्टाम्प ड्यूटी वैली को इस इन फॉर्मुलेज में यूज करने की कोशिश करेंगे कमेंट करें मालिक फोर्टी थ्री सी है क्लियर और नॉट क्लियर और प्लीज वीडियो को लाइक करते जाएं अगर पसंद आए कमेंट करते जाएं कमेंट सेक्शन में आप जब भी ये चैनल पे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस देखें विद्योदय के आप प्लीज इस पे कमेंट जरूर करें ये है सेक्शन नंबर फोर्टी थ्री सी ए विश्चन में आपको करा रहा हूं ध्यान से देखिएगा डाटा को फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए सर क्वेश्चन का देखो सबसे पहले टाइटल आना चाहिए एस का नाम आना चाहिए और असेसमेंट ईयर जरूर, जरूर 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 लिखना अभी आपका असेसमेंट डेट चल रहा है वो है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री जरूर लिखिएगा बिना इसके काम नहीं होता एस का नाम जरूर लिखिएगा इसकी एज का ध्यान रखिएगा और ये रेसिडेंट है कि नहीं इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा मोस्टली जब एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन आता है हमारे लिए वो अभी अभी अधिकतर क्वेश्चन वन होता है करने का तरीका क्या सर हम इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं जो कि नेट प्रॉफिट से शुरू होता है आप नेट प्रॉफिट से डाटा यूज करते हो सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन में क्या खत्म करने का बोला है मैंने आपको क्या तरीका बताया क्वेश्चन करने का कि अगर ये क्वेश्चन दे रखा है ये पी एंड एल की डिटेल्स दे रखी है नेट प्रॉफिट दे रखा है आप यहाँ से शुरू करते हैं ये आपकी स्टेप वन है इसमें हम सबसे पहले लेस करते हैं वो इनकम जो इस हेड को बिलोंग ही नहीं करती अब एग्जाम में गड़बड़ गड़बड़का होती है लोग इस तरफ की इनकम को हटा तो देते हैं जैसे यहाँ हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है डिविडेंड लिखा हुआ है इंटरेस्ट लिखा हुआ है हटा दो बढ़िया लेकिन ये भी ध्यान रखो कि वो फिर कौन से हेड को बिलोंग करती है आपने उसको अपने घर से तो धक्का दे दिया ये भी तो देखो उसका खुद का घर कौन सा है तो ध्यान रखना है ऐसे कई बार इनकम अदर सोर्सेज में जाती है कई बार हाउस प्रॉपर्टी में आप जानते हैं कंपलसरी क्वेश्चन इसी तरह का आता है कमेंट करें भैया यस निकिता करेक्ट बोल रही है हमने पढ़ा था पी एंड एल एक करके खाली करो हटाते जाओ जैसे यहाँ सेल लिखा है ओके okay. यहाँ लिखा है इंटरेस्ट नॉट ओके यहाँ लिखा हाउस प्रॉपर्टी रेंट नॉट ओके okay. इनको दूसरे घर विदा कर दो इनको इनके घर भेज दिया जाए फिर हम आएंगे डेबिट साइड जैसे कि ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ध्यान से देखिएगा एक एक करके एक्सपेंस को चेक करना पड़ेगा तो हम बात करेंगे फिर यहाँ पर इनकम जो कि क्रेडिट है लेकिन अलाउ नहीं है वो हटा दी जैसे दूसरे हेड्स की इनकम इस तरह का फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं हम ऐड करते हैं इनकम जो कि अलाउड है लेकिन नहीं ली गई जैसे अपने क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया गया व्हाट डज इट मीन क्लोजिंग स्टॉक अगर यहाँ दस रुपए है और आपको अंडर वैल्यू किया गया मतलब आपको इसको बढ़ाना है तो प्रॉफिट बढ़ेगा या घटेगा कमेंट करें मालिक प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा प्लीज कमेंट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अंडर वैल्यूड है आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा प्रॉफिट क्या होना चाहिए मालिक तो हम ऐसा भी एक टाइटल लिख सकते हैं इनकम अलाउड बट नॉट क्रेडिटेड बोलिए दोस्तों एक्सपेंसेस डेबिटेड बट नॉट अलाउड को आप वापस क्या करेंगे बैक और इसको करने का हमारा तरीका क्या था बताओ यहाँ जो भी पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ जो भी एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं आप पहले क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ेंगे ये हमने डिसाइड किया था क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन की मेरा सी सी कौन है क्या करता और क्वेश्चन की आखिरी लाइन की आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया सबसे पहले दो चीज डिसाइड करो फिर पी एन एल देखने की जगह उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखो नीचे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके कौन कौन से पॉइंट लग रहे हैं उस पर हम यहाँ डॉट लगाते जाएंगे जो जो पॉइंट हमारे नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है ऐसा करने से ये होगा कि मुझसे कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा और जब भी मैं किसी चीज को हटाऊं वहां पे भी हम ऐसा कुछ हैशटैग छोटा सा पेंसिल से लगा देंगे इसका दूसरा ट्रीटमेंट अभी बाकी है बोलिए मालिक क्या तरीका समझ में आया एडिशनल इंफॉर्मेशन जो नीचे दी गई है सपोज पहली इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन के ऊपर है तो इतना ही पढ़ो और यहाँ डॉट लगा लो जब इसको अपन बैक करना शुरू करेंगे आइटम वाइज तो देखेंगे कुछ पर्सनल एक्सपेंस हटेंगे कुछ पेनल्टी हटेगी कोई एसेट अगर क्रे... डेबिट कर दी थी कैपिटलाइज करना चाहिए आपने रेवेन्यू मान लिया तो उसको हटाओ और ध्यान रखना जब ये कार परचेज पर आप डेबिट करते हो आप इसको डिसअलाउ करते हो कि भैया कार पे तो डेप्रिसिएशन मिलेगा आपने डेबिट कैसे कर लिया तो फिर ये भी अक्ल चलनी चाहिए कि इसी कार पे क्या मिलेगा डेप्रिसिएशन भी आपको क्लेम करना पड़ेगा ये छोटे छोटे से पॉइंट ध्यान रखिएगा प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको ये एक दो क्वेश्चंस बताए थे कई बार हमको चैप्टर सिक्स ए की कोई अमाउंट पी एंड एल में डेबिट करके दे देते हैं जैसे एल आई पी डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन ध्यान रखना ये एटीसी में नीचे आना चाहिए ये एट्टी जी में नीचे आना चाहिए वो हिंट दे रहे हैं कि आप जी टी आई के बाद टैक्सेबल इनकम में इसको यूज करो यस मालिक और क्या फॉर्मेट है सर कंपल्सरी क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे सर हम हमारी हमारी शीट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे ये हमारा मेन शीट है वर्किंग नोट है यहाँ पे अलग अलग हेड की इनकम निकालोगे जैसे पहले पीजीबीपी का निकाल लो और यहाँ पे इनकम लिया इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यहाँ पे दूसरा वर्किंग नोट बनाओ तीसरा बनाओ यहाँ से डाटा आपको मेन शीट पे शिफ्ट करना है मेन शीट पूरा पेज यूज करना इज इट करेक्ट समझ में आई क्या मेरी बात समझ में आया क्या मेरी बात टाइटल जरूर लिखिएगा दोस्तों टाइटल लिखे भी ना आगे मत बढ़ना बोलिए रिबेट का ध्यान रखना अगर क्वेश्चन बोल दे कि आपको टैक्स भी निकालना है और वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है बहुत ध्यान से देखना कि रिबेट भी अप्लाई तो होगी बोलो दोस्तों डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट इस तरह से देना है हम देख चुके हैं ऑलरेडी पहले ही तो यहां तक हमारे पास जो पार्ट था वो खत्म होता है अब नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कुछ सेक्शनल ऑप्शनल हैं कुछ सेक्शन ऑप्शनल हैं आप एज अ बिजनेसमैन चाहो तो रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन मत करो पूरा पूरा पी एंड एल मत बनाओ डायरेक्टली डायरेक्टली आप ग्रॉस पे हमको इनकम बुक कर दो

कौन कौन एलिजिबल नहीं है सर जो फोर्टी फोर एई में कवर हो जाएगा ये भी एक सेक्शन है हमारे पास जो फोर्टी फोर डबल ए में स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाला व्यक्ति वो भी इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास दूसरा सेक्शन है कमीशन ब्रोकरेज एजेंसी बिजनेस वाले लोग भी इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं करेंगे तो मेन बात है रेसिडेंट इंडिविजुअल एच यू एफ एंड पार्टनरशिप फॉर्म प्रिजर्वटिव इनकम निकालने के सर सबसे पहला हेड तो पीजीबीपी लगेगा मोस्टली हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ही पी एंड एल बनाते हैं yes. यस यहां नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा तो जो भी आपका ग्रॉस टर्न ओवर है उसका या तो आठ परसेंट या उससे ज्यादा ध्यान दीजिएगा एग्जैक्ट आठ हो चलेगा उससे ज्यादा दस परसेंट शो कर सकते हैं क्या सिर्फ आठ परसेंट और छह परसेंट का ही रूल है बोलिए आपको अपने टर्न ओवर को डिवाइड करना पड़ेगा कितना आपने अकाउंट पे चेक अकाउंट पे ड्राफ्ट और ईसीएस से अमाउंट रिसीव किया और कितना आपने कैश से रिसीव किया तो उस पर आठ परसेंट दे देना बोलो मालिक कमेंट करो फटाफट से तो फार्मूला है ग्रॉस और और मोर 6 और मोर अगर बिजनेसमैन बोलता सर मेरे पास छह परसेंट के लिए बाइफरकेशन नहीं है कि जब मैंने सेल किया था तो मुझे पेमेंट इन तरीकों से आया कि नहीं आया गवर्नमेंट देखो डिजिटल इकोनॉमी प्रमोट कर रही है क्या गवर्नमेंट डिजिटल इकोनॉमी प्रमोट करना चाहती है कि आप कैश में लेन देन जितना हो सके कम करो यस आप बोल रहे हो सर मेरे पास इसका बाइफर्केशन नहीं है कोई बात नहीं आठ परसेंट से शो कर दो फिर बढ़िया है क्योंकि 6 से ऊपर भी तो आप शो कर सकते हो ज्यादा करना हो तो कर सकते हैं वेरी गुड निकिता करेक्ट आंसर ज्यादा शो शो करना हो तो बिल्कुल हम इसको शो कर सकते हैं बोलिए मालिक नेट प्रॉफिट डायरेक्टली निकलेगा यस yes, ये जो निकलेगा ग्रॉस टर्न ओवर का सीधे आठ परसेंट या छह परसेंट या उससे ज्यादा वो सीधे ही आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट मान के चलना आप सारे खर्चे घटा चुके हो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन मान के चलना कि फॉर्म के केस में भी आप रेमुनरेशन इंटरेस्ट टू पार्टनर्स पे कर चुके हो मान के चलना कि वो ऑलरेडी डेबिट हो चुके हैं अलाउड हो चुके हैं मेरे कुछ एग्जांपल्स का आंसर दो दोस्तों मेरे एग्जांपल्स हैं इन एग्जांपल्स का आंसर दीजिए पहला केस देखिए क्या है पहला केस पहला केस देखिए क्या है मालिक

बहुत आराम से क्वेश्चन करना होता है आप पहले अलाउ डिस इनकम टैक्स के हिसाब से नॉर्मल रेगुलर स्कीम बोल अपन उसको ये आपकी ऑप्शनल स्कीम स्कीम है है रेगुलर मतलब जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें पी एंड एल है जिसमें आप इनकम टैक्स एक्ट के अलाउ डिस करके मतलब सेक्शन ट्वेंटी सेक्शन थर्टी से लेके फोर्टी थ्री बी सब यूज करने के बाद प्रॉफिट निकालते हो दैट इज योर रेगुलर स्कीम हम कंपोजिशन स्कीम जैसा कुछ पढ़ रहे हैं जीएसटी में कंपोजिशन होता है वैसे यहाँ पे ऑप्शनल स्कीम फोर्टी फोर एडी जहाँ टर्न बेस्ड इनकम निकाली जा रही है तो पहला क्वेश्चन 50 लाख पूरे ही कैश है सर आठ परसेंट अगर वो बोल दे क्वेश्चन में कि 30 लाख कैश और बाकी 20 लाख अकाउंट पे ही चेक है तो बहुत बढ़िया सर इस पर हम निकालेंगे छह इस पर हम निकालेंगे आठ बहुत बढ़िया वेरी गुड तीसरा केस की पचास लाख में से पचास लाख में से अगर वो बोल दे कि थर्टी लाख तो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हो गए थे कुछ कैश में कुछ अकाउंट पे ही में तो हम यहाँ पे आठ और छह का कैलकुलेशन कर ही लेंगे थर्टी लैक इज रिस ड्यूरिंग द ईयर ट्वेंटी लैख आउटस्टैंडिंग था एज अ डेटर आपको इनसे पैसा लेना था अब बाद में या तो आप बाइफरकेशन दे दो कि रिटर्न फाइल करने से पहले आपके पास डाटा आ जाए बहुत बढ़िया वरना पूरा का पूरा अमाउंट आप कितने से कैलकुलेट कर दोगे आठ परसेंट से कैलकुलेट कर दोगे ये तीन चार अलग अलग सिचुएशन हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ था क्या क्या बेनिफिट है सर इस सेक्शन इस को ऑप्ट करने के पहला फोर्टी फोर डबल है आपके ऊपर नहीं लगेगा यू डिड नॉट हैव टू मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट कराना जरूरी बिल्कुल भी नहीं रह गया एडवांस टैक्स टेक्स नॉर्मली चार इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं लेकिन आपको यहां पर सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट पे करना है वो है फिफ्टींथ मार्च ट्वेंटी टू ऑनली वन इंस्टॉलमेंट ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है बोलिए मालिक और एक आखिरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है फोर्टी फोर एडी सबसे फोर ध्यान से सुनिएगा आपने प्रीवियस ईयर ट्वेंटी टू के लिए मतलब असेसमेंट ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए क्या ऑप्ट किया फोर्टी फोर ए डी फिर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री में भी ऑप्ट किया ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर में भी ऑप्ट किया लेकिन असेसमेंट ईयर में आपने बोला कि मैं तो बुक्स बनाऊंगा या आठ परसेंट प्रॉफिट तो बहुत होता इतना कोई शो करते हैं क्या मैं इतना शो नहीं करूंगा ऐसा करके रोने लग गए आप तो अभी तीन साल से तो यूज कर रहे थे इस सेक्शन को क्यों भैया क्योंकि उस समय आपके टर्नओवर कम थे जैसे ही यहाँ टर्नओवर बढ़ा जैसे कि आपका टर्नओवर हुआ डेढ़ करोड़ रुपए तो डेढ़ आपको लग रहा हो इतना सारा प्रॉफिट शो करना पड़ेगा क्या बारह लाख का नहीं नहीं शो करूंगा मैं तो तीन शो करूंगा, पांच लाख बताना चाहता हूँ तो आप रेगुलर स्कीम में आ गए इस साल से जिस साल आपने फोर्टी फोर एटी बीच में ऑप्ट किया और छोड़ दिया ऑप्ट किया तीन साल ही और छोड़ दिया तो ध्यान रखना अगले पांच असेसमेंट ईयर किस साल तोड़ा रू, रूल आपने ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स में रूल तोड़ दिया तो मालिक अब अगले पांच असेसमेंट ईयर आप ये सेक्शन ऑप्ट नहीं करोगे मतलब बुक्स भी रखना पड़ेगी और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा बुक्स भी रखना पड़ेगी ऑडिट भी करवाना पड़ेगा रेगुलर स्कीम में आप कवर्ड हो गए असेसमेंट ईयर में आपने रूल तोड़ा था छब्बीस सत्ता थर्टी थर्टी वन ये तभी होगा अगर आपकी इनकम बेसिक एक्समशन लिमिट से ज्यादा है मतलब आपने रूल तोड़ा ओके और दूसरी कंडीशन है आपकी इनकम बेसिक एक्सम्शन लिमिट से ज्यादा है अगर कम है तो अभी भी क्या चला सकते हो फोर्टी फोर एडी कम तो है तो चला सकते हो ध्यान रखिएगा तो क्या रूल क्या है रूल इतना सा है फोर्टी फोर ए डी सबसेक्शन फोर का कि आप आप जो है जब फोर्टी फोर ए ऑप्ट करते हो तो कंटिन्यूसली ऑप्ट करो नेक्स्ट फाइव असेसमेंट ईयर तक इस बीच अगर आपने ये रूल तोड़ा तो वहां से अगले पाँच असेसमेंट ईयर तक मैं आपको ये फैसिलिटी नहीं लेने दूंगा फटाफट से कमेंट करें लाइक करें मालिक अगर समझ में आता जा रहा है तो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज कमेंट करें और लाइक जरूर करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो

अब मैं कन्फ्यूज कन्फ्यूज हो गया सर हम कन्फ्यूज आ गए कि एक तरफ तो फोर्टी फोर ए बी बोलता है ऑडिट करवाओ और एक तरफ फोर्टी फोर ए डी बोलता है कि दो करोड़ तक ना बुक्स रखो ना ऑडिट करवाओ अगर आप आठ परसेंट या छह परसेंट शो करने को तैयार हो तो।, तो मालिक अब जब हम कंफ्यूज आ गए हैं तो इनकम टैक्स वालों ने हमको आंसर दिया कि यही सेक्शन प्रिवेल करेगा कौन सा फोर्टी फोर ए डी सपोज आपका टर्न ओवर है डेढ़ करोड़ तो आप बुक्स मत रखो ऑडिट मत करवाओ कर लो या फिर सेकंड ऑप्शन अप्लाई नहीं रहा, ये तक करो। लेकिन आपका भी कप -कप हो रहा चलेगा और जब भी एस लोअर प्रॉफिट क्लेम करना चाहता है वो बोल रहा है मैं छह परसेंट या आठ परसेंट में तो नहीं शो करूंगा इतना प्रॉफिट नहीं है मेरे बिजनेस में मेरे बिजनेस में तो वन परसेंट कोई मार्जिन है कोई बात नहीं लल्ला आप बुक्स रख लो और आप अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकते हो पर जिस साल ये नियम तोड़ोगे वहां से अगले पांच असेसमेंट तक वापस से आप फोर्टी फोर ए ऑप्ट मत आना मेरी गली है ना बोलो बोलो तो आपको गाना गाना पड़ेगा छोड़ाए हम वो गलिया तो भैया फोर्टी फोर ए की गली छूट गई आपसे अब आप रेगुलर स्कीम में कवर हो गए ये सब मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा ये था 44 फोर ए डी एग्जाम में आपसे वो नॉर्मली पहले रेगुलरली कैलकुलेट करवा सकते हैं तो 44 AD का भी कैलकुलेशन हो सकता है जब हम रेगुलर टैक्स निकाल रहे थे या प्रॉफिट निकाल रहे थे वो एक लाख तीस हजार आ रहा था ये सिक्स सेवन टू सिक्स नाइन जीरो आ रहा है ऐसा आपके मॉड्यूल की क्वेश्चन है हम ये वाला रेगुलर स्कीम फॉलो कर सकते हैं बोलो मालिक हाँ की ना नेक्स्ट सेक्शन अगेन वन ऑफ वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अगेन फोर एमसीक्यू में भी आ जाए तो भी बढ़िया और फुल लाइन क्वेश्चन में भी आ जाए तो भी बढ़िया फोर्टी फोर ऑप्शनल है ऊपर थे रेसिज़न्ट रेसिज़न्ट अंडर पे सारे बिजनेसमैन कवर हो रहे थे except two, three points. पहला वालों को ही बाहर किया था क्यों क्योंकि ये सेक्शन ही अलग है फॉर प्लाइंग हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ वॉट गुड्स हैं हम ट्रक वाले हैं बोलो आया ना हम ट्रक वाले हैं मालिक बोलो भैया जिस पे लिखा रहता है कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है ना वो ट्रक वाले हम ट्रांसपोर्टर्स बिजनेस में गुड्स कैरिज बिजनेस में हैं और हम छोटे बिजनेसमैन हैं 44 फोर्टी फोर एडी भी क्यों दिया गया था गवर्नमेंट मानती है कि आप छोटा बिजनेसमैन हो छोटा कैसे माना दो करोड़ तक के टर्नओवर पे आपको छोटा माना गया सिमिलरली आपके पास दस से ज्यादा किसी भी हालत में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्यूरिंग द होल ईयर दस से ज्यादा गुड्स कैरेज नहीं होने चाहिए तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो ऐसे क्या या कंपनी भी हो सकती है एलई भी हो सकती है फॉर्म भी हो सकती है यस yes, ऑल या एनी बोलिए मालिक तो ये ट्रक वालों को ही अलाउ है बोलो मालिक हाँ है ना तो अपने पपलू जी अगर गाना गा दें कि मैं निकला वो गड्डी लेके तो समझ जाना मालिक कि कौन सा सेक्शन यूज करना चाह रहे हैं वो फोर्टी फोर ए तो पहली कंडीशन आपका बिजनेस गुड्स कैरिज होना चाहिए पैसेंजर की बात नहीं दूसरा होना चाहिए कुछ भी हो जाए वो बोल दें अप्रैल दो हजार इक्कीस को ऑलरेडी आपके पास छह वेहीकल्स थे मोटर वेहीकल्स बोल लो आप चाहो जो. और अगर आपने पांच मई को पांच व्हीकल खरीद लिए और छह मई को आपने एक सेल कर दिया तो मालिक आप फोर्टी फोर एप्ट नहीं कर पाओगे चेक कर लो क्योंकि तो पहले आपने परचेज किया फिर सेल किया इसका उल्टा होता कि पहले छह व्हीकल थे एक सेल हुआ फिर पांच परचेज हुए तो चलेगा दस से ज्यादा कभी भी आपके पास नहीं हुए हैं इस बात का ध्यान रखना इसमें भी चूंकि आप प्रिजर्मटिव इनकम पे आ गए हो डिम्ड इनकम पे आ गए हो तो हम थर्टी से थर्टी की डिडक्शन मान लेंगे कि अलाउड है लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म को दो परमिशन है रेम्यूनोरेशन और इंटरेस्ट लेस करने की जो कि फोर्टी फोर एडी में आपको अवेलेबल नहीं थी तो ध्यान रखना अगर फॉर्म का क्वेश्चन हो तो आप इस ऑप्शनल सेक्शन को यूज करके पहले प्रिजमटिव इनकम या डिम्ड इनकम निकाल लेना उसमें से दो खर्चे घटा सकते हो इंटरेस्ट इन रेम्युनोरेशन टू पार्टनर्स कैसे निकालेंगे सर प्रिजमटिव प्रिजर्म ट हमने आठ परसेंट छह परसेंट वाला रूल लगा लिया था है ना यहाँ क्या करेंगे सर वेहिकल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो दोस्तों एक हेवी और एक और अदर देन फार्मूला लगाए नंबर ऑफ टन कैसे निकालोगे टोटल के अगर दिया हो तो डिवाइडेड के जी करना आप जानते हैं वन टन इक्वल टू तो कितना होता है वन केजी। तो अगर के दिया हो तो उसको काय में कन्वर्ट करोगे पहले टन में तो मेंवी व्हीकल्स को टन में कन्वर्ट करना वन थाउजेंड रुपीज पर टन की प्रिजेंटिव इनकम उन्होंने मान ली है इनटू नंबर ऑफ मंथ इनटू नंबर ऑफ व्हीकल्स

ओपनिंग वेहीकल जितने दे रखे उनको ध्यान रखना उनमें से कोई भी सेल हुआ हो अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ ध्यान से देखिए वो बोल दें अगर कि हमारे पास ओपनिंग में छह वेहीकल थे उसमें से ही एक बेचा उसमें से ही एक सेल किया तो ध्यान से देखिएगा इस कैलकुलेशन में बहुत सारे लोग गलती करते हैं ध्यान से देखिएगा वो बोल रहे हैं ओपनिंग वेहीकल हमारे पास सिक्स थे वो बोल दे इसमें से एक सेल हुआ तो उसको अलग कर लेना और इसका मतलब बाकी पांच सेल नहीं हुए तो इन बाकी पांच के लिए आपके मंथ्स कितने हो जाएंगे ट्वेल्व अगर वो बोल दे सेल किया हमने पंद्रह जून को तो आप जानते हो कि इसके लिए मंथ आएंगे सिर्फ तीन, ली। तो आप इस को अलग अलग कर लेना भैया तो आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इंटू वन थाउजेंड रुपीज पर टन इंटू नंबर ऑफ टन अगर हैवी है तो अगर हैवी है तो बोले फटाफट से कमेंट करें लाइक करें मालिक बोलिए ये हेवी का फॉर्मूला अदर देन हेवी जिसको हम सिंपल भाषा में कई बार लाइट भी बोलते हैं लेकिन एग्जाम में मत लिखना उसके लिए नंबर ऑफ व्हीकल नंबर ऑफ मंथ और फिक्स फिक्स अमाउंट फिक्स अमाउंट रुपीज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पार्ट ऑफ द मंथ का इंपॉर्टेंस बता दें दोस्तों पार्ट ऑफ द मंथ का इंपॉर्टेंस बता दें मालिक साढ़े सात हजार इंटू नंबर ऑफ मंथ इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स तो हम कर देंगे क्योंकि ये फिक्स डे पार्ट ऑफ द मंथ का इंपॉर्टेंस बताएं क्या एग्जाम्पल बनाओगे सर यदि कोई व्हीकल आपने दस मई को खरीदा तो भी हम इसको फुल मंथ मानेंगे ग्यारह महीने इंटू साढ़े सात हजार इंटू नंबर ऑफ व्हीकल्स मल्टीप्लाई होगा यस और नो यस और नो ये दोनों बहुत इजी इजी फॉर्मूले देख लीजिए एक बार आराम से आपके सामने है चलिए सुविधाएं फैसिलिटीज बुक्स नहीं रखनी है फोर्टी फोर डबल ए के हिसाब से ऑडिट नहीं कराना है फोर्टी फोर ए बी में ऑप्शन आप हर साल चेंज कर ही सकते हो कोई दिक्कत नहीं है हाँ चार इंस्टॉलमेंट आपको एडवांस टैक्स की पे करना पड़ेगी और अगर आप बोलते हो कि मैं इन रूल्स के हिसाब से मैं वन थाउजेंड रुपीज़ पर टन या सेवन थाउजेंड रुपीज़ सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ नहीं शो करना चाहता कोई बात नहीं दोस्त कोई बात नहीं आप बुक्स रख लो आप ऑडिट करवा लो चलेगा ऑप्शन है हाँ है आप लोअर प्रॉफिट क्लेम कर सकते हो कर सकते हो भी वो असेसमेंट ईयर वाला कोई रूल है क्या ना लल्ला ऐसा कोई रूल नहीं है वो रूल सिर्फ फोर्टी फोर था डी पर पांच साल असेसमेंट ईयर वाला ओके ये दो बड़े सेक्शन आपने देखे ध्यान से देखिएगा फोर्टी फोर ए का जब भी क्वेश्चन आए ईजी आता है बनना चाहिए ये देखिए मैंने क्वेश्चन मॉड्यूल से ही आपका लिया था टोटल के जी डिवाइड बाय हजार के जी ये टन आ गया तो तो गलती कभी भी नहीं होगी यह आपकी इस तरह इनकम निकाली जाएगी ये एग्जाम में अलग से कई बार चार मार्क्स में आ सकता है ये एमसी क्यू करके भी आपसे पूछा जा सकता है तो वेरी इजी क्वेश्चन मालिक बनना चाहिए आखिरी सेक्शन ऑप्शनल इनकम का वो है हमारे पास फोर्टी फोर ए डी ए फोर्टी फोर ए डी ए कौन यूज करेगा सर स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले लोगों ने समझा रखा है जिसमें अकाउंटेंसी भी है मेडिसिन भी है फिल्म स्टार्स भी है डायरेक्टर भी है वो सब स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आते हैं आई वाले भी हैं कंडीशन क्या है सर इनका ग्रॉस रिसिप्ट टर्न मत बोलना भैया अपन प्रोफेशनल है रिसिप्ट लेस देन इक्वल टू फिफ्टी लैक्स लेस इक्वल टू फिफ्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस केस में भी हम रेमेशन और इंटरेस्ट लेस नहीं करेंगे मतलब मान लेंगे कि बस यही फाइनल आंसर आएगा जो इस फॉर्मूले से आएगा बताओ कितना प्रॉफिट शो करना है आपको प्रिजर्मटिव इनकम कितनी शो करनी है आपको सपोज आई एम अचार्ट अकाउंटेंट माई टर्न ओवर माई ग्रॉस रिसिप्स आर फोर्टी लैक्स गवर्नमेंट बोल रही है लल्ला सीधे सीधे बीस लाख को इनकम बता दो यही आपका नेट प्रोफिट है ट्वेंटी लैक्स रुपीज अगर ये चालीस लाख के रिसिप्ट है तो ज्यादा बताना चाहो गवर्नमेंट बोलेगी आ जा मेरे लल्ला बहुत बढ़िया आदमी है तू तो गले लगा लेगी बेनिफिट बुक्स नहीं रखना है ऑडिट नहीं कराना एडवांस पेमेंट सिंगल इंस्टॉलमेंट में आप लोअर प्रॉफिट क्लेम कर सकते हो यस लेकिन उसके लिए बुक्स रखो और ऑडिट करवा लो एक ही कंडीशन है आप ऑडिट तभी कराओगे जब आपका बेसिक बीसिकाम लिमिट से ज्यादा आपकी टोटल इनकम आ रही है तो मतलब आप ये ऑप्शन कंटिन्यू करो ओके आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते छोड़ दो पर बुक्स रख लो और ऑडिट करवा लो कब ये रिक्वायरमेंट हट जाएगी अगर आपका आप ये भी ऑप्ट नहीं कर रहे हो और आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से नीचे चली गई इनकम तो फिर आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है बोलिए दोस्तों आया ना और आखिरी पार्ट जो हमारे पास होता है वो होता है कंपोजिट इनकम का आप जानते हैं एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में कंपोजिट इनकम के रेशो आते हैं जो कि सिक्सटी फोर्टी सिक्सटी फाइव थर्टी फाइव सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव याद आया क्या 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 पढ़ा था आपने उसमें टी कॉफी रबर कॉफी के दो पार्ट थे ग्रोन एंड क्यूर्ड और ये ग्रोन रोस्टेड है ना एक में रेशो में एक में कम है है एक ज्यादा बोलो मालिक तो कंपोजिट ध्यान रखना जैसे ही कंपोजिट इनकम का क्वेश्चन है आपको ध्यान क्या देना है ये एग्रीकल्चर इनकम को अगर वो बता रहे हैं आपको क्वेश्चन में आपने उसको दो हिस्सों में डिवाइड करा एक नॉन एग्रीकल्चर कंपोजिट इनकम बता रहे हैं आप एक नॉन एग्री तो बिजनेस एक एग्री तो आपको एक बात याद आ जानी चाहिए तुरंत तुरंत अगर आपने टी को मान लो नेट प्रॉफिट को दो हिस्सों में डिवाइड किया तो आपकी अक्ल चलनी चाहिए कि यहाँ पर हम एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में इंटीग्रेशन स्कीम पढ़ते हैं इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी है भैया जैसे ही आपके पी एंड एल में गलती से भी यहाँ के आ गई एग्रीकल्चर इनकम इंटीग्रेशन स्कीम की कंडीशन जरूर चेक कीजिएगा पहला क्या एग्रीकल्चर इनकम पाँच से ज्यादा है और दूसरा क्या आपकी इनकम बेसिक एग्जम्शन लिमिट से ज्यादा है जैसे ही हो ध्यान से देखना वो कई बार क्वेश्चन इतनी सी बात पे आपको घुमा देते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम आप अदर सोर्सेज में तो क्या लिख दोगे एग्जाम लेकिन टैक्स निकालने के पर्पज से क्या हमने इंटीग्रेशन स्कीम पड़ी थी तीन अलग अलग स्टेप एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर को ऐड करो एग्रीकल्चर प्लस बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को ऐड करो इन दोनों का टैक्स निकालो और वन माइनस टू कर दो याद आया क्या ये सब तो जैसे ही पी एंडल में एग्रीकल्चर इनकम दिख जाए थोड़ा सा ऐसा अवेयर हो जाना ओ ऐसा घूर के देखना ओ ऐसा बोलना और फिर इंटीग्रेशन स्कीम कब यूज होगी जब आप क्या निकाल रहे हो टैक्स क्लियर दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार इतनी छोटी सी बात से भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है ये था कंपोजिशन स्कीम आखिरी पार्ट है सर किस किस को फोर्टी फोर डबल ए में कम्पल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का है अगर आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो या आप अदर एस हो दो हिस्से कर लेना स्पेसिफाइड प्रोफेशन का सेक्शन कौन सा है फोर्टी डबल ए सब सेक्शन वन स्पेसिफाइड प्रोफेशन में आपको स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट बोला गया एज पर रूल सिक्स एफ और दूसरा रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करना है तो रूल क्या है ये एमसीक्यू में आना चाहिए थ्योरी पार्ट इसका कभी आता नहीं है इसलिए ध्यान से स्पेसिफाइड प्रोफेशन में हो आप अगर और आप स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो एज पर रूल सिक्स एफ अगर ऐसा है तो ऐसा कब होगा देखो अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल और आपका पहला साल है दो अलग अलग केस होते हैं एक या आप पहले साल अभी अभी सीए बने ही हो इसी साल और एक आप पिछले चार साल से काम कर रहे हो सीए ए बन के तो आपको बोला गया ऑल द थ्री प्रिसीडिंग ईयर का ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपका वन लैख फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा हो जाए तो आपको स्पेसिफाइड प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है क्योंकि आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले लोगों जैसे कि सीए जैसे कि डॉक्टर अच्छा तो पहले तो आप स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाले लोग हाँ सर फिर स्पेसिफाइड बुक्स ही कब मेंटेन करनी है अगर आप ऑलरेडी बहुत समय से काम कर रहे हो या ये पहला साल है दोनों अलग अलग देखना लिमिट वन फिफ्टी थाउजेंड की पिछले तीन साल बोलो भैया है इसमें ऑल द थ्री इस में, में आपका रिसिप्ट किससे ज्यादा हो जाए तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स मेंटेन करना पड़ेगी वरना रेगुलर बुक्स ही आप करोगे। और अगर आपका पहला पहला साल है

यहां पे भी दो पार्ट की, business, को रखना है। अगर आपका है और किससे ढाई लाख से ज्यादा के बीच में और लिखा है किस साल पिछले तीन में से किसी भी एक साल में तो आपको कंपलसरीली बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी है कैसी जिससे कि ऑफिसर आपकी इनकम निकाल सके बोलो मालिक तो वापस से वापस से वापस से सर आपको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट कब रखनी जब पिछले तीन में से अभी आपका ईयर क्या चल रहा है ट्वेंटी तो पिछले तीन साल तो पिछले तीन ईयर में से किसी भी एक ईयर में इन दोनों के बीच में भी और लिखा है एक भी कंडीशन पूरी होती है ढाई लाख की इनकम या पच्चीस लाख का टर्न और करंट ईयर में ही आपने अगर बिजनेस खोला है तो ये एक्सीड करने की गुंजाइश हो तो आपको कंपल्सरीली बुक्स ऑफ अकाउंट में पड़ेगी Other than HOF, आप तो जैसे कि कंपनी हो और आप टाटा हो आप रिलायंस हो क्या करेंगे सर देखो देखो अगर आपकी इनकम एक लाख बीस हजार की लिमिट या आपका सेल्स या रिसिप्ट दस लाख की लिमिट से ज्यादा चलेगा एनी वन ऑफ दी थ्री तो भी आपको कंपलसरीली बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी पड़ेगी तो लिमिट ध्यान रखिए भैया ढाई लाख पच्चीस लाख एक लाख बीस हजार और दस लाख वापस से टू लाख फिफ्टी थाउजेंड की इनकम या ट्वेंटी फाइव लाखिप्टेल्स टर्न ओवर वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड की इनकम या टेन लाख की रिसिप्ट और यहाँ ऊपर क्या था ऑल लिखा था ऑल दी थ्री डेढ़ लाख से आ चलिए तो ग्रॉस रिसिप्स हो जाए नॉन स्पेसिफाइड वालों के लिए उन्होंने बोला कि इसमें भी दो पार्ट करो इंडिविजुअल एच यू एफ इसके लिए लिमिट बोलो क्या क्या है सर यहाँ पे हमने पढ़ा ढाई लाख रुपए या पच्चीस लाख रुपए या हमने अदर्स के लिए पढ़ा एक लाख बीस हजार रुपए या फिर दस लाख ईयर बोलो भैया यस मेरे मालिक तो ये थ्योरी पार्ट और एमसीक्यू पार्ट यहाँ के खत्म होता है मुद्दा आता है सर अब ऑडिट कौन कौन करवाएगा सबसे पहला कंपल्सरीली ऑडिट किस किस का किया जाएगा नाइनटी लैक्स का आपका टर्न है आप अगर फोर्टी फोर ऑप्ट कर लोगे तो।, तो, तो, तो नो बुक्स नो ऑडिट आपने बोला नहीं मैं ये आठ परसेंट शो नहीं कर सकता ओके भैया यू वांट टू क्लेम लोअर प्रॉफिट सो कम हमारे कम विथ मी कम हमारे साथ आ जाओ कौन से सेक्शन में बोलो भैया फोर्टी ए भी गाना गा रहा है कि जब फोर्टी फोर ना लगे तो मेरी गली आ जान बोलो भैया तो आप लोअर प्रॉफिट क्लेम करें बुक्स ऑफ अकाउंट रखें ऑडिट करवाना कंपल्सरी होगा तो जब दिल ना लगे दिलदार हमारी तो गली आ जाने बोलिए भैया टर्न ओवर एक करोड़ चालीस लाख अगेन आप ऑप्ट भी कर सकते हो या आप ऑप्ट मत करो एक करोड़ चालीस लाख मतलब दो करोड़ तक आपके पास ऑप्शन है ना तो आप ये ऑप्ट कर लो बढ़िया नहीं कर पाओ तो बुक्स रखो ऑडिट करवाओ इसी में लिमिट भैया अब दो करोड़ से ऊपर चलेगा आप तो आप बोलोगे सर फोर्टी फोर एडिट मैं ऑप्ट नहीं करूंगा लेकिन एक से दस करोड़ के बीच में गवर्नमेंट ने एक और आपको सुविधा दी ध्यान से देखिएगा एक करोड़ चालीस लाख के टर्न पे क्या चाहते हो सर फोर्टी फोर एडी ऑप्ट कर लो आप ये ऑप्टी करना चाहते हो तो बुक्स रखो ऑडिट करवाओ और तीसरा ऑप्शन अगर आपका टर्न सही में एक करोड़ चालीस लाख है और आपकी कैश टोटल कैश रिसिप्टोटल लेस देन फाइव परसेंट है और टोटल कैश लेस देन कोसेंट है तो भी आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप बोलोगे कि मैं फोर्टी फोर एडी ऑप्ट ही नहीं करना चाहता बुक्स रखो ऑडिट करवाओ तो ये सुविधा क्या देखो आपका टर्न ओवर करोड़ से ज्यादा है दस करोड़ के बीच में क्योंकि तो एक से दो करोड़ के बीच में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऑप्ट कर लो नहीं करोगे तो फिर ये वाला रूल भी लगा सकता हूँ और ये वाला रूल भी लगा सकता हूँ टर्न अगर एक से दस करोड़ के बीच में तो गवर्नमेंट ने आपसे पूछा भैया आपकी टोटल कैश रिपिट्स का नाइनटी तो टोटल पेमेंट्स का अगर 95 आप कैश में नहीं करते आप मतलब पांच परसेंट से कम ही कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट करते हो मतलब ज्यादातर नाइन्टी फाइव परसेंट या उससे ज्यादा के ट्रांजेक्शन आप डिजिटल बैंकिंग मीडियम से करते हो तो भी हम आपको ऑडिट नहीं करवाएंगे तो गवर्नमेंट बोल रही है लल्ला इसका 95 परसेंट रिसिप्ट और 95 परसेंट पेमेंट तो किसके थ्रू आ रहा है ऑडिट करवाना तो पहले ये लिमिट एक से पांच करोड़ थी दोस्तों लास्ट ईयर तक ध्यान रखिएगा जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम दिया अब ये लिमिट बढ़ के एक से दस करोड़ हो गई है अगर कोई पुराना स्टूडेंट हो तो ध्यान रखिएगा हो सकता है उसने ये लिमिट पहले पांच करोड़ पढ़ी हो अब बढ़ के इसको दस कर दिया गया है बोलिए मालिक अब बताएं आपका टर्नओवर ओवर तीन करोड़ है ऑप्शन बोले सर फोर्टी फोर एडी तो अवेलेबल ही नहीं है सर एक से दस करोड़ में या तो आप ये प्रूव कर दो तो ऑडिट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है अगर आपके कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट पाँच परसेंट से ज्यादा है सर ऑडिट करवाना पड़ेगा कम है तो ऑडिट तो नहीं कराना पड़ेगा आपको डिसाइड करना है अभी आपको डिसाइड करना है कि क्या आपके कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट पाँच परसेंट से ज़्यादा है तो ऑडिट करवा लेना इससे कम बताते हो मतलब नाइन्टी फाइव परसेंट या उससे ज्यादा का पेमेंट आपने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू लिया है तो आपको ऑडिट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है मालिक बहुत सारे केसेस बताए मैंने आपको आपका टर्न ओवर दस करोड़ पच्चीस लाख है बोलो क्या करोगे सर, अब तो ये वाला लिया हो तो ऑडिट तो कराना पड़ेगा तो अब दस से ज्यादा हो गया है। आप बहुत बड़े व्यापारी हो गए बोलिए मालिक रिपोर्ट थर्टी एथ तक आनी चाहिए रिटर्न फाइलिंग इकतीस अक्टूबर तक हो जाना चाहिए ऐसा नहीं करोगे तो टू बी की आपको पेनल्टी लगाई जा सकती है फटाफट से फोर्टी ए बी का यहाँ कमेंट करें क्या आपको ऑडिट की अलग अलग रेंज समझ में आई या नहीं और इसमें और क्या बढ़ा सकते हैं सर अगर आप लोअर प्रॉफिट क्लेम करना चाह रहे हो कौन कौन से सेक्शन में फोर्टी फोर ए फोर्टी फोर ए फोर्टी फोर ए ए तो भी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा और अगर आप कौन से सेक्शन में आ गए फोर्टी फोर ए सब सेक्शन फोर में आ गए जिसमें पांच साल तक आपको फोर्टी फोर ए लेना था लेकिन आपने बीच के किसी ईयर में रूल तोड़ दिया तो भी आपको ऑडिट कराना पड़ेगा तो एक लिमिट ये होगी एक करोड़ से नीचे वाली में ऑडिट करा लो एक एक करोड़ चालीस लाख पे आप ऑप्ट कर सकते हो या छोड़ सकते हो तो ऑडिट करा लो लेकिन अगर अप्रूव करते हो कि नहीं मेरा तो रिसिप्ट पाँच परसेंट ही है कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट पाँच परसेंट से बिलो है तो फिर चलेगा आप ऑडिट मत कराना बोलिए मालिक आखिरी पॉइंट जो हमारे पास है बिजनेस प्रोफेशन का इंपॉर्टेंट वो है रेम्यूशन टू पार्टनर और, और, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर बोलिए दोस्तों आया समझ में क्या फटाफट से कमेंट करें लाइक करें क्या करना है सर एक फॉर्म के केस में हम अनलिमिटेड इंटरेस्ट यहाँ डेबिट नहीं करने दे सकते अनलिमिटेड रेम्यूशन डेबिट नहीं करने दे सकते तो रूल बोले इंटरेस्ट ऑन पार्टनर का अलाव होगा पहला पहलाइज होना चाहिए ओके मैक्सिमम इंटरेस्ट 12 परसेंट तक ही होगा तो क्वेश्चन में अगर आपको 12 परसेंट से नीचे का ही डेबिट किया हुआ है तो करेक्ट है कुछ भी डिसअलाउ करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर वो बोल दें कि अठारह रुपए जो इंटरेस्ट है वो 18 परसेंट है तो हम समझ गए मालिक 6 परसेंट डिस है मतलब छह हजार रुपए एड बैक कर दीजिएगा बोलिए ओके चेतनया नहीं थी और वो चाहते हैं कि हम ट्वेंटी एग्रीमेंट को अप्लाई करके तो इनकम टैक्स मना करता है कि ऐसा नहीं होगा मैक्सिमम बारह परसेंट इसका मतलब सर इससे नीचे हुआ तो चलेगा अगर क्वेश्चन बोल दे एट परसेंट इंटरेस्ट तो क्या अपन ऑब्जेक्ट करेंगे कमेंट करें क्या हम ऑब्जेक्ट करेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है जैसे कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे और उन्होंने एक्स को बीस परसेंट से रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करा तो आठ परसेंट डिसअलाउ डेबिट किया हुआ था बैक कर दीजिएगा पंद्रह परसेंट पे तीन परसेंट डिसअलाउ बैक कर दीजिएगा तो एक्स के केस में आठ हज़ार रुपए देख लो डिसलाउ होंगे क्या बीस हजार बीस परसेंट है तो आठ परसेंट कितना आठ हज़ार बीस हजार पंद्रह परसेंट है तो तीन परसेंट कितना तीन हजार देख लीजिए

रेट्रोस्पेक्टिवली आप रेम्यूरेशन भी रेट्रोस्पेक्टिवली रेम्यूरेशन भी डीड में अलाउ नहीं करोगे जैसे कि इंटरेस्ट नहीं किया था सर कैलकुलेशन कैसे होगा मालिक बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट बनेगा इसका बुक प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है सर पहले तो आप है ना नेट पी एंड एल से क्वेश्चन शुरू करो सेक्शन फोर्टी सेक्शन थर्टी से लेके फोर्टी थ्री बी तक के सारे एडजस्टमेंट कर दो तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स है जो हम बाकी सारे क्वेश्चन में निकालते हैं और आखिरी दो एडजस्टमेंट अब बचे हैं वो है इंटरेस्ट और रेमुनरेशन मुझे बताओ इंटरेस्ट आप यहाँ बैक कब करोगे प्रॉफिट कब बढ़ाओगे बुक प्रॉफिट में अगर वो डेबिटेड है और डिसअलाउड है अगर डेबिटेड ही नहीं है तो आ डेबिट ही नहीं है तो पहले डेबिट करो जितना अलाउ होना चाहिए उसको लेने की फिर जरूरत नहीं है वो तो आप यहीं पर ट्रीट कर दोगे वापस से वापस से अगर पी एंड एल में अठारह हज़ार इंटरेस्ट है तो आप क्या करोगे बुक प्रॉफिट निकालते समय छः हज़ार बैक कर देना तो सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट होगा इंटरेस्ट का सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट होगा इंटरेस्ट का चलो इंटरेस्ट नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नौ परसेंट है नौ हजार है लेकिन डेबिटेड ही नहीं है सर डेबिटेड ही नहीं है तो यहाँ एडबैक कैसे करोगे फिर तो अलाउ करो ना यहाँ पे लेस तो करके ये प्रॉफिट निकालना बोलिए इंटरेस्ट अलाउड है तो आप माइनस कीजिएगा अभी मैंने बताया ये अलाउ करना है यहाँ पे माइनस कर देना प्रॉफिट में से अलाउड है तो फिर क्या प्रॉब्लम है लेकिन डेबिटेड नहीं है ओके okay. तो अगर डेबिटेड हो तो डिसअलाउड वाला पार्ट एडबैक कर देना यह आखिरी स्टेप हो जाएगी अब आपकी यहां से ये सेकंड लास्ट स्टेप थी आखिरी स्टेप रेमुनरेशन जो भी पी एंड एल में अगर डेबिटेड हो तो यहाँ ले लेना डेबिटेड ही नहीं हो तो यह डैश आ जाएगा यही आपका बुक प्रॉफिट है जो यहाँ पर इन सब एडजस्टमेंट के बाद फार्मूला बुक प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सर नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल पहली स्टेप एडजस्टमेंट ऑल एडजस्टमेंट अलावेंस डिस गया हमारा एज पर इनकम टैक्स फिर इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट अगर डेबिटेड है और कुछ डिसअलाउ करना है तो यहाँ एडबैक कर देना आखिरी एडजस्टमेंट रेमुनरेशन ये तभी एडबैक होगा जब डेबिटेड हो

तीन लाख नब्बे हजार ये मैक्सिमम अलाउेबल होना चाहिए अब आपको क्या देखना है सर हमने पी एंडल में पांच लाख डेबिट कर दिया था ओके अलाउ कितना है दो सत्तर यहां से और एक बीस यहां से तीन लाख दो लाख चेक कर लो तीन लाख का नब्बे परसेंट या बुक प्रॉफिट और डेढ़ लाख हायर दो सत्तर बैलेंस दो लाख पे एक लाख बीस हजार दो सत्तर और एक बीस तीन अगर आपने यहां पांच लाख डेबिट किए थे तो मालिक आप अपनी मेन शीट पे आ जाओगे वर्किंग नोट्स और देख लोगे कि पहले रेमुनरेशन ऐड करके कर कर देना तीन कर थोड़ा सा याद करने स्टेप बिल्कुल करना पड़ेगी नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा बिल्कुल करना पड़ेगा कि ये हमने अलावेबल निकाल लिया यहाँ पे अब आप आपकी मेन शीट चला रहे हो ये आपकी मेन शीट है जहाँ पे नेट प्रॉफिट लिया क्या क्रेडिट था क्या डेबिट था ये बिजनेस प्रोफेशन की इनकम निकाली रेमुनरेशन जो अलाउ है वही लेस करेंगे जो डिस अलाउ था वो पहले ऐड कर देना तो बुक प्रॉफिट यहाँ से भी निकाल सकते यहीं से डाटा उठेगा सारा ये जो बुक प्रॉफिट आएगा ये आपने निकाला लॉस के केस में मैक्सिमम रेमुनरेशन कितना हो सकता है सर मान लो बुक प्रॉफिट आपका माइनस वन लैक आ जाए तो हम जानते हैं माइनस वन लैख का नाइनटी परसेंट माइनस होगा लेकिन डेढ़ लाख तक का रेमुनरेशन मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं क्योंकि हम बोल रहे हैं एवर इज हायर तो माइनस समथिंग है ना माइनस समथिंग और डेढ़ लाख तो हम क्या बोलेंगे आंसर एवर इज हायर बोलो भैया बोलो मालिक तो इस तरह से पहले एडजस्टमेंट कर लेना सारे और आखिरी दो एडजस्टमेंट होंगे इंटरेस्ट और रेम्यूनोरेशन के दोनों एडजस्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बुक प्रॉफिट आएगा जितना अलाउड हो वो लेस करना अगर आपका यहाँ पर रेमुनरेशन आ रहा था, था तीन नब्बे और आपने भी डेबिट तीन लाख ही करा हो तो, तो, तो सर मैंने सही करा है मेरी लिमिट के अंदर ही आ रहा है तो वापस से जैसे यहाँ पर सिक्सटी एट थाउजेंड एड बैक करके हमने सिक्सटी एट थाउजेंड लेस कर दिया बोलो मालिक तो स्टेप बोलो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा स्टेप्स बोलिए क्या करना पड़ेगा जब भी फॉर्म का क्वेश्चन हो और वो आपसे इंटरेस्ट रेमोलेशन पूछे पहली स्टेप नेट प्रॉफिट ले लो ध्यान से देखिएगा पहली स्टेप नेट प्रॉफिट निकाला दूसरी स्टेप एडजस्टमेंट कर दो अलाउेंस इस अलावेंस सारी थर्टी से लेके फोर्टी थ्री भी एवरीथिंग आखिरी दो एडजस्टमेंट कौन से होंगे इंटरेस्ट ये जो आ गया इसी में इंटरेस्ट अगर कुछ पार्ट डिस अलाउड हो तो एडबैक कर देना और अलाउ हो तो माइनस क्वेश्चन ने ऑलरेडी माइनस कर रखा है तो कुछ करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी बोलिए भैया ना अक्कल आपको लगानी है वहाँ पे डेबिट है अलाउड है कुछ करना ही नहीं है कुछ भी मत करो ऑलरेडी आप ही डेबिट कर चुके हो इस नेट प्रॉफिट में डेबिट कर रखा है लेकिन कुछ पार्ट डिस अलाउड है तो ऐडबैक कर देना मालिक ये बात ध्यान रख और अगर यहाँ रेमुनरेशन दिया है तो उसको भी एडबैक कर देना अगर रेमोलेशन नहीं दिया तो यही आपका बुक प्रॉफिट है थोड़ा सा याद करने पड़ेगी स्टेप दिमाग में बिठाना पड़ेगा बुक प्रॉफिट यही हो जाएगा अगर आपको नीचे रेमोलेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब वो एडबैक करने के बाद जो आएगा वो आपका बुक प्रॉफिट है बोलिए तो इसके बाद आप दो तो हिस्सों में डिवाइड करोगे अप टू तो थ्री लैक्स और बैलेंस नाइन्टी परसेंट या डेढ़ लाख एवर इज हायर सिक्सटी परसेंट ऑफ द बैलेंस यहाँ निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमारा ये टोटल कितना आ रहा है ये टोटल अगर इस रेंज में जो आपने बैक किया है तो, तो बढ़िया है दिक्कत नहीं एक में शीट, ये में शीट चल रही थी आपकी जिसमें हमने पहले रेम्योशन बैक करा इंटरेस्ट बैक करा फिर बुक प्रॉफिट निकाला फिर रेम्योशन निकाला दो लाख पच्चीस हजार आपने ऐड कितना है चौदह लाख रुपए ओहो जबकि अलाउ कितने होंगे दो पच्चीस तो पहले ऐड करा था हमने मेन शीट पे इस एक्सपेंस को डिसअलाउ करेंगे फिर तो डिसअलाउ किया नॉट अलाउड और ये अब अलाउड हमने दो पच्चीस निकाला है मैक्सिमम आपके बुक प्रॉफिट के आधार पर ये बुक प्रॉफिट है आपका थोड़ी सी स्टेप्स रटना पड़ेंगी मालिक बिना स्टेप्स रटे एकदम से क्वेश्चन होता नहीं है देख लो वापस से इस क्वेश्चन की शुरुआत हमने नेट प्रॉफिट एस पर पी से की तीन लाख साठ हजार ऐसे कुछ आइटम जो यहाँ से लेस हुए पंद्रह लाख दस हज़ार तो ये नेगेटिव हो गया ऐसे एक्सपेंस जो अलाउ नहीं है एडबैक कर दिए यहां से यहां तक सब दो लाख पचीस हजार ही डेबिट किए जाएंगे इसका सेक्शन था सेक्शन फोर्टी बी थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा ये वाला पार्ट एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा हमको प्रैक्टिस लगेगा थोड़ा याद होना चाहिए दिमाग बहुत पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए कि मैं ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन और सॉल्यूशन तो कर ही रहा हूँ सब कुछ करने के बाद आखिरी में इंटरेस्ट और रेम्यूलेशन कर रहा हूँ भैया क्लियर एग्रीकल्चर इनकम ध्यान रखिएगा अगर इन इंडिया जमीन है तो हम उसको एग्जाम करते हैं एग्रीकल्चर परपजेस के लिए यूज होना चाहिए हम ऑलरेडी देख चुके हैं ये बात कब काम आएगी आपकी कंपोजिट इनकम हो अगर एग्रीकल्चर की तो तो मालिक यहाँ पूरा एंड होता है थोड़ा सा पीजीबीपी के लिए आप ये बी वाले को प्रैक्टिस कीजिएगा एक और लेक्चर में आपका लूंगा जिसमें बताऊंगा कि एग्जाम में ये लोग किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं और कैसे हमको बिजनेस प्रोफेशन सॉल्व करते आना चाहिए एग्जाम के तौर पर पहले सबसे पहले लेकिन आपको ये सारे रूल्स आने चाहिए कई बार वो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ही अलग से सिक्स मार्क्स में पूछ लेते हैं फॉर्मेट मेरा वाला फॉलो कीजिएगा वर्किंग नोट जरूर दीजिएगा अधिकतर नंबर इसी के कटते हैं दो बातें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना रूल का याद होना और उसकी अप्लीकेबिलिटी आराम से पहले क्वेश्चन पढ़ें फिर रूल को याद करें अगर आपको रूल याद है बहुत तो आराम से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये था मालिक बिजनेस प्रोफेशन का तीसरा और लास्ट पार्ट आपको अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा मुलाकात तो होगी नेक्स्ट लेक्चर में क्रैशबैक चल रही है हमारी ये थोड़ा सा फास्ट और स्पीडली पढ़ाया है नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ हम मिलेंगे और हम एक और बार एक बार और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उसका मैं जरूर आपको गाइडेंस दूंगा एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या दिक्कतें आती है अलग अलग आपके अटेम्प्ट के पेपर लेकर ठीक मालिक धन्यवाद आप सभी का ध्यान रखिएगा अपना राधे राधे